तो मैं आपको आज दो टॉपिक पे बात करके बताने वाला हूँ, वीडियो में समझाने वाला हूँ। पहले तो टॉपिक हमारा ये है कि फेस और न्यूडल की पहचान कैसे की जाती है, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है कि स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको अपनी टॉपिक पे ले चलूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है इलेक्ट्रोटेक्निक, उसे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे रोज़ाना एक एक टॉपिक पे, इसी तरह के टॉपिक पे वीडियोस आते रहते हैं, और हम आपको हमेशा जो टेक्निकल वीडियोस होती है, जो इलेक्ट्रो टेक्निकल वीडियोस होती है, वो आपके लिए हमेशा इस पे अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि फेस और न्यूट्रल की पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि एक बोर्ड है, इसमें चार्जर पहले से लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ आप देखिए जो एक टू पिन है, तो इसका जो स्विच है हमने ऑन कर रखा है, और देखिए जब मैं ये टेस्टर लगाता हूँ जो टेस्ट करती है, ये जो टेस्टर है जो टेस्ट करके बताती है फेस किधर है, और न्यूट्रल तो बताती नहीं है टेस्टर में, सिर्फ फेस बताती है। और सर्किट को पूरा करने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की ज़रूरत होती है, तो इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों हैं। तो आपको ये पहचान, मतलब कि आपको अगर नहीं मालूम है तो कैसे मालूम चलेगा कि फेस क्या है और न्यूट्रल क्या है, किधर फेस है किधर न्यूट्रल है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक में जब मैं लगा रहा हूँ तो लाइट ग्लो नहीं हो रहा है, दूसरे में जब मैं लगा रहा हूँ तो एलईडी हमारा ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पे बात ये है कि जिसमें हमारा फेस है, मतलब इस वाले पिन के अंदर हमारा फेस सप्लाई हो रहा है, इसलिए हमारा फेस सप्लाई होने के कारण क्या है कि हमारा जो टेस्टर का एलईडी है वो जल रहा है, और दूसरे वाला जो पिन है उसमें न्यूट्रल है, इसलिए ये नहीं जल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे तो हमारी फेस की पहचान हो जाती है, लेकिन न्यूट्रल का क्या? अब इसमें जल ही नहीं रहा है तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें न्यूट्रल ही है, दूसरा कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए आपको मैं ये भी बताता हूँ, ये भी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि अब न्यूट्रल को कैसे पहचानेंगे कि हाँ यही न्यूट्रल है, ये दूसरा कुछ नहीं है, न्यूट्रल ही है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए कि हाँ इसमें न्यूट्रल सप्लाई है या नहीं है, मैंने क्या कर रहा है, एक होल्डर लिया है, उसमें दो वायर कनेक्ट किए हुए हैं और उसमें एक बल्ब डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा ऊपर वाला पिन में न्यूट्रल होगा तो ये लाइट जलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं जलेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा लाइट जल रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि ऊपर वाले पिन में न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल नहीं होता तो लाइट नहीं जलती। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से मैंने दिखाया आपको कि फेस और न्यूट्रल की पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों, मैंने अगर आपको शायद हो सकता है आपको मालूम भी हो कि फेस और न्यूट्रल की पहचान कैसे होती है, या फेस क्या होता है न्यूट्रल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बताया, इसलिए बताना ज़रूरी समझा क्योंकि मैं आपको स्विच बोर्ड की वायरिंग बताने वाला हूँ। अगर आपको स्विच बोर्ड की वायरिंग नहीं मालूम है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसमें खास करके उस बात की जानकारी होनी चाहिए कि फेस और न्यूट्रल क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ, ये जो प्लेट है इसमें हमने एक सॉकेट लगाया हुआ है और दो स्विच लगाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए सर, दो स्विच हैं, एक सॉकेट है, और ये एक फोर मॉडल का प्लेट है। तो दोस्तों, स्विच की कनेक्शन, जो स्विच में वायर की कनेक्शन होती है, तो पहले तो हमें क्या करना है, एक वायर को स्कैन कर लेंगे जो ये दोनों के पिन के अंदर जा सके, और मैंने इसका स्क्रू पहले लूज़ कर देनी है, स्क्रू लूज़ है ऑलरेडी, और हमने क्या करना है, इस वायर को इसके अंदर डाल देनी है, जिससे क्या होगा कि हमारे दोनों स्विचों में फेस की सप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि फेस कैसे चेक की जाती है, या फिर फेस क्या है, हो सकता है आपको मालूम भी, तो यह हमारी फेस की सप्लाई हो गई। अब बारी आती है सॉकेट की, तो सॉकेट में आप देख सकते हैं पहले से मैंने एक वायर डाल रखा है जो कि सॉकेट का एक टर्मिनल
से लेके स्विच के दूसरे टर्मिनल वाले में कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों जो स्विच है हमारा, आप यहाँ पे देख रहे हैं दो टर्मिनल्स हैं, तो ये जो फेस आया पहले टर्मिनल्स में, दोनों स्विच के पहले मतलब नीचे वाले टर्मिनल्स में हमारा एक वायर आया हुआ है जो दोनों स्विच में कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जो वायर यहाँ आया हुआ है, तो दोस्तों होता क्या है, ये जो स्विच है हमारा इसके अंदर ही अंदर एक स्प्रिंग टाइप का या कुछ भी एक दो प्लेट लगे रहते हैं, जिससे हमारा स्विच कैसे काम करता है, मतलब अब जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच को ऑन किया वैसे ही क्या होता है, वो दोनों अंदर ही अंदर आपस में मिल जाते हैं, मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में मिल जाते हैं अंदर से। और मिलने के कारण क्या होता है, जो हमारा इसमें इस वायर में जो हमारा करंट बहता रहता है वो उस वायर में चला जाता है और इधर तक आ जाता है, उस वायर में जाएगा तो इधर भी आएगा, इधर आया तो इस वाले में भी आ जाएगा। तो फेस तो यहाँ तक पहुँच गया, अब बारी आती है न्यूट्रल की। तो दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर है, अब हमने क्या करनी है, इस न्यूट्रल वाले वायर को इसमें कनेक्ट कर देनी है। देखिए दोस्तों हमारा न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो गया है, और ये रहा फेस वायर, ये रहा न्यूट्रल का वायर। तो सॉकेट का जो दोनों टर्मिनल्स आप देख रहे हैं, बीच वाले में अर्थिंग लगता है, फिलहाल मैं अर्थिंग की वायरिंग नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल आपको सिर्फ सॉकेट चलाने के लिए, मतलब फिलहाल मैं आपको सिर्फ स्विच की वायरिंग बता रहा हूँ, इसलिए मैंने अर्थिंग यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है। तो पहले तो ये आप देख लीजिए, न्यूट्रल का मैंने जो न्यूट्रल वाले टर्मिनल में लगा दिया हुआ है, और फेस का फेस वाले टर्मिनल में जो स्विच से होके आ रही है, आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्विच की वायरिंग बता रहा हूँ इसलिए स्विच से लगाया। तो हमारा दोस्तों सर्किट तैयार हो चुका है, डायग्राम पूरा मतलब वायरिंग पूरी मैंने जो कनेक्ट करनी थी वो कनेक्ट कर चुका हुआ है। और दोस्तों ये जो ये वाला जो स्विच है, ये स्विच से तो हमने सॉकेट को कंट्रोल कर दिया हुआ है, जो ये वाला स्विच बचा है उससे भी चलिए किसी को कंट्रोल कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये होल्डर है, एक होल्डर से दो वायर निकल रहे हैं, एक बल्ब लगा दिया हुआ है मैंने उसमें, तो चलिए इस बल्ब को इस स्विच से जलाते हैं, चलाने के लिए इसको कनेक्शन दे देते हैं। तो ये रही दोस्तों हमारी बल्ब की वायर वाली कनेक्शन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा दोनों स्विच का दोनों टर्मिनल्स पूरा वायर से भरा पड़ा है, मतलब कनेक्शन पूरी तरह हो चुकी है। अब रहा दोस्तों ये होल्डर की दूसरी वाली वायर, तो इसमें क्या आनी चाहिए, इसमें न्यूट्रल आनी चाहिए, क्योंकि फेस तो हमारा स्विच से होकर जाएगा ही, तो इसमें न्यूट्रल आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, चूँकि आपको मैंने बताया है यहाँ पर मैं न्यूट्रल वाली वायर लगा रहा हूँ, तो इसको हमने क्या करना है, इसी वाली वायर के साथ में इसको पहले लूज कर लेंगे और उसमें डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। चलिए दोस्तों हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने बता दिया हुआ है, ये वाला स्विच से मैंने उसको कंट्रोल दिया हुआ है जो जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, और ये वाला स्विच से मैंने इस सॉकेट को कंट्रोल दिया हुआ है। कनेक्शन आप एक बार अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ एक बार। तो ये जो स्विच है हमारा उससे कंट्रोल किया हुआ है, इस स्विच से उस होल्डर कंट्रोल किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ऑन किया बल्ब जला, ऑफ किया बल्ब बुझा। अब चलिए दोस्तों एक बार सॉकेट को भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इस सॉकेट को टेस्ट करने के लिए इसमें एक चार्जर लगा दिया हुआ है। अब मैं इस चार्जर को मोबाइल में लगाऊंगा और चेक करूंगा कि क्या हमारा स्विच का कनेक्शन बराबर है, क्या हमारा अगर हमारा चार्जर काम हुआ स्विच का कनेक्शन बराबर है। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, मैंने जैसे ऑफ़ किया चार्जर ऑफ हुआ, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, जैसे ही ऑन किया मेरा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू दोस्तों हमारे ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपका इस वीडियो पर कोई विचार हो या कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर सवाल कर सकते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हमसे जो भी पूछना है पूछिए, या आपका कोई राय हो तो आप अपनी राय को ज़रूर बताइए। थैंक यू।